उपचुनाव वाले इलाकों में प्रचार के लिए बीजेपी ने डिजिटल रथ रवाना किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और हम उसके आगे नतमस्तक हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन कर चुनाव के लिए डिजिटल रथ रवाना किए। इन हाईटेक रथों के जरिए 28 चुनाव वाले इलाकों में प्रचार किया जाएगा। कोरोना काल में बीजेपी और शिवराज सरकार को जनता तक पहुँचाने का ये रथ काम करेंगे। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, 6 महीने में शिवराज सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है, इसलिए स्लोगन दिया गया है कि शिवराज है तो विश्वास है। कमलनाथ ने झूठ बोलकर प्रदेश को गुमराह करने का कार्य किया। दिग्विजय सिंह के कारण कमलनाथ ने झूठ बोला, गरीब जनता और किसान का अपमान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हम चुनाव को चुनाव की तरह लेते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया है? कांग्रेस को नारियल में नहीं विकास में आपत्ति है। विकास करते हैं तो कांग्रेस वाले कहते हैं नारियल लेकर चलते हैं। प्रणाम करना जनता के प्रति आस्था है। हमने तो कई बार जनता के सामने घुटने टेके हैं, हम हमेशा टेकते रहेंगे। अब मैं अगर अपनी जनता को प्रणाम करूं, प्रणाम करना अपनी संस्कृति है, इस सब मानते हैं लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। हम उसको भगवान कहते हैं, जनता की सेवा भगवान की पूजा है और इसलिए हम सदैव जनता के चरणों में झुकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जनता को झुक के प्रणाम करते हैं। हम उस राह पर चलने वाले लोग हैं, विनम्रता के साथ अपनी जनता का सम्मान। अब मैं वो करूं तो वो कहते हैं घुटने टेक दिए, लेट गए। हम तो कई बार घुटने टेक के जनता के सामने आए, तुम्हारे जैसे दम्भी अहंकारी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, लेकिन जनता के सामने तो सदैव घुटना भी टेकेंगे और प्रणाम भी करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।